कैसे हैं माजिन करीम हूँ। चैनल का माजिन वर्ल्ड है। आज फर्स्ट रमज़ान है एंड हम लोग सहरी करने के लिए 4 o'clock को उठ गए। हमारी मस्जिद ने बहुत ही साइरन बजाया गया था, मैं तो डर गई। तो गाइस मेरे लाइफ का फर्स्ट रोज़ा है जब मैं फर्स्ट टाइम रोज़ा रख रही हूँ, इसलिए मेरी अम्मा ने मुझे एक सजेशन दिया, नहीं सजेशन नहीं दिया, मुझे बताया 4 बजे उठ के 5 बजे सो जाना है, फिर लेट तक जा फिर लेट तक सोना है। ये मेरी अब्बा की तरफ से मुझे मिला है। फिर अब हम सहरी खाते हैं। हम लोग सहरी के लिए कस्टर्ड, कबाब एंड रोटी खा रहे हैं। तो गाइस हमने अभी फजर की नमाज पढ़ ली, अब हम लोग सोने जा रहे हैं, उठने के बाद मिलेंगे। सो गाइस आप सबको रमज़ान मुबारक। मेरे लाइफ का पहला रोज़ा है एंड मैं रेडी हो गई हूँ एकदम। मैंने एक लाल कलर का कुर्ता सूट पहना है और जिसमें वाइट डिज़ाइन एंड अब मैं नमाज पढ़ूंगी, मैं कुरान शरीफ पढ़ूंगी, उसके बाद मैं क्या करूँगी मैं सोचूंगी। गाइस मेरा पहला रोज़ा ऐसे ख़त्म हो गया एंड मैं कल रोज़ा रख पाऊँगी या नहीं आई डोंट नो। मैं कल व्लॉग बनाऊँगी या नहीं मुझे नहीं पता, शायद मैं नहीं बनाऊँ। एक्चुअली ये बात भी हुई थी कि जैसे जैसे इफ्तार का टाइम पास आ रहा था, मतलब पूरा दिन मैं सरवाइव कर गई, लेकिन वो जो एंड में ना 13 मिनट जो थे ना, एंड के 28 मिनट एंड के जो थे, वो लग रहा था अल्लाह इफ्तार कब होगी, अल्लाह इफ्तार कब होगी, ऐसा लग रहा था एकदम अचानक से। मतलब कि जब मेरी अरबी क्लासेस हो रही थी ना, वो लाइक असर से जस्ट पहले होती हैं, मतलब कि मेरी अरबी क्लासेस ख़त्म असर की आसान, तो इसलिए ना ऐसा था कि अरबी क्लासेस के बाद मुझे लाइक ज़्यादा भूख लगने लगी थी। पूरा दिन तो नॉर्मली बीता, मतलब पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, लाइक प्यास लग रही है ऐसा ज़्यादा नहीं लगा, बस पेट में थोड़ा गुड़गुड़। अब मैं इशा की नमाज पढ़ूंगी और फिर मैं सो जाऊंगी। लेकिन इफ्तार टेस्टी था, आई हैव टू से इट।